आज हम परफेक्ट तरीका देखेंगे मेथी के भजिए बनाने का। गुजरात में इसे मेथी नू गोटा भी कहा जाता है। और इस मेथी के भजिए के साथ हम बनाएंगे बेसन की चटनी या बेसन की कढ़ी कह लीजिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस मेथी नुगोटा को या फिर मेथी के भजिए को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंगोली किचन में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो चलिए देख लेते हैं भजिए बनाने के लिए क्या क्या सामान लेना है हमें। तो सबसे पहले लेंगे बेसन, तो 2 कटोरी बेसन का लिया है। और अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले, तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ये हींग 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ में लेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद तिल 1 टीस्पून और साबुत धनिया 1 टीस्पून। तो आप चाहें तो क्रश करके भी ले सकते हैं धनिया को। और ये चीनी 1 चम्मच, हरी मिर्च 1 काट के ले लिया है बारीक बारीक, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, तो बस सबको मिक्स करना है अच्छे से। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे इसका। थोड़ा सा इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है देखिए। तो ये अच्छे से घोल लिया है हमने। तो अब आती है बारी इसमें मेथी डालने की, तो एकदम फ्रेश वाली मेथी, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, तो ये डाल देते हैं। ये लगभग 2 कप है, तो 2 कप मेथी का डाला है हमने और साथ में ये फ्रेश वाली धनिया 1 कप, तो सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो बस ये रेडी है, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है इसकी। और अब डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून मीठा सोडा और साथ में डालेंगे ये गर्मा गर्म तेल 2 से 3 चम्मच। तो मीठे सोडे के ऊपर इस तरह से डाल देना है और इसे मिक्स करना है। बहुत ही क्रिस्पी बना देगा भजिए को, एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, तो बहुत ही यमी बनने वाला है ये भजिया। तो चलिए अब बना लेते हैं इसके लिए कढ़ी। तो कढ़ी के लिए लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, चीनी 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका पतला सा घोल तैयार करना है। तो बिल्कुल गुठलियां ना रहे, तो अच्छे से घोल लेना है इसे।
तो एक गिलास पानी डाला है हमने अभी। और हाफ ग्लास पानी और डाला है, तो डेढ़ ग्लास पानी का डाला है हमने। तो कढ़ी के लिए घोल तैयार है, तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये कढ़ाई गैस ऑन कर दिया है और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल का। तो रिफाइंड ऑयल डाला है हमने। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे सरसों 1/2 टीस्पून और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग और चटकने देंगे इसे। तो ये चटक चुका है, अब डालेंगे करी पत्ता साथ में हरी मिर्च। तो एक हरी मिर्च बारीक काट के ले लिया है और इन सबको भुनेंगे अच्छे से। भुन चुका है, अब डालेंगे इसमें इस घोल को। तो एक बार घोल लेते हैं अच्छे से। तो चलिए डालते हैं इसे कढ़ाई में और लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो बस फटाफट से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है कढ़ी। तो लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है। तो कढ़ी हमारा तैयार है, तो चलिए डालते हैं इसमें धनिया और साथ में डालेंगे नींबू का रस। तो 1 चम्मच नींबू का रस डाला है, तो बहुत ही चटपटा बनने वाला है ये चटनी। तो रेडी है हमारा चटनी, गैस को कर दिया है ऑफ। तो चलिए अब भजिया बना लेते हैं। तो ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो बस थोड़ा सा इस तरह से लेंगे हाथ में और इस तरह से डाल देना है। तो जितना तेल में आएगा उतना डालेंगे और मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये हो चुका है और इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए काफी क्रिस्पी। तो इसी तरह से बाकी के भी फ्राई करेंगे। ये भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मजेदार मेथी नुकोटा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कढ़ी या चटनी जो बहुत ही मजेदार है, और साथ में ये गोटा या मेथी का भजिया और साथ में ये हरी मिर्च फ्राई की हुई। तो बहुत ही यमी रेसिपी तैयार है हमारा। तो इस तरह से आप भी बनाइए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कैसा बना। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।